हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके इस समय बीच बिल्कुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है एमएस वर्ड के तहत ही और कुछ पॉइंट्स के बारे में अपन ने बातचीत की थी, तो कुछ पॉइंट्स हो गए थे, कुछ पॉइंट्स अपने बाकी है। लगभग 30 से 32 पॉइंट अपने टोटल इस लेसन के अंदर है, जिसमें कि लाइन वाला जो पॉइंट है आपके आपके बीच में आया है ड्रॉप कैप बनाना। देखिए ड्रॉप कैप बनाना क्या होता है वो मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक में बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज जो कटिंग्स अगर देखी होगी या फिर जो न्यूज पेपर अगर देखे उसके अंतर्गत एक वर्ड से जो सारे सारे जो वर्ड वगैरह स्टार्ट होते हैं उसमें एक वर्ड होता है वो बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा सारा कार्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि ये वाला जो है ड्रॉप बॉक्स बनाना है इसमें तो इसमें दो से चार टाइप के होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है डब्ल्यू, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी वर्ड है वो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कोई भी वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, कोई भी वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस जो है यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू हो जाएंगे इसमें। तो ये होता है आपके इसमें ड्रॉप और कैप बनाना, ये हो गया डब्ल्यू का। अब अगर पहले कोई न्यूज़पेपर के अंदर एस लिखना है तो उसमें दो चीज़ें होती है कि यहाँ से अगर शुरू करना है तो बीच में हो सकता है और बीच वाला अगर टॉपिक है क्योंकि इसमें पहला वाला क्या होगा होगा नहीं आपके, तो ये वाला जो आपकी किस किस श्रेणी के अंदर आता है ड्रॉप कैप के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी बातें हैं। देखिए ड्रॉप कैप का प्रयोग समाचार पत्र टेक्स फॉर्मेटिंग के लिए बहुत में काम में दिया जाता है। परिभाषा के अंतर्गत कि ड्रॉप कैप का प्रयोग समाचार पत्रों, राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है स्टूडेंट्स, समाचार पत्रों मैगजीन में या कोई भी जो किताबें छपती है वगैरह मैगजीन में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किया जाता है, जिससे कि ये दिखने में बिल्कुल अलग लगता है, इसके एडिटिंग से लोग प्रभावित होते हैं और इसको कुछ रेटिंग वगैरह की जगह का इसमें प्रोसेसिंग रहता है वो भी इसको मिलती है। अब देखिए इसमें आगे क्या है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले इसमें पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है वो काफ़ी तुलना में बड़ा होता है और इसमें जो है पैराग्राफ का प्रथम अक्षर बड़ा होता है, बाकी अक्षरों की तुलना में। ठीक है ना। तो अब देखते हैं पैराग्राफ के अक्षर को मूव करने में किसने कैसे क्या बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको ये करना है कि फॉर्मेट ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉप कैप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा है फिर इसमें आपको एक दूसरे नंबर पर इसी के अनुसार जैसे क्लिक करते हैं, मैंने आपको पहले बोला था डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होता है और डायलॉग बॉक्स को आप जैसे ओपन करते हैं उसके सामने ये वाला जो चित्र है जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस टाइप की जो कंडीशन है वो आपके सामने लागू होती है कि इसमें
है एक स्टाइल होती है, उस स्टाइल के ऊपर आपको जो है क्लिक करना होता है, और वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर ताली बज कर और आपके सामने अधिकतर लगती है। फिर जो है एक डाइस को ड्रॉप में जो है एक संख्या चुनते हैं, ड्रॉप के अंतर्गत एक संख्या चुनते हैं, और जैसे ही आप नंबरिंग चुनते हैं उसमें फिर आपके सामने ये जो पाड़ा जो है प्रेजेंटेशन होने लग जाता है। फिर जो डिस्टेंस कॉलम के अंदर टेक्स्ट में दूसरी के लिए चाहिए जो दूरी लिखते हैं कि आपको इसके बीच के अंदर डिस्टेंस कितना रखना है, डिस्टेंस जैसे ही आप ओके करते हैं आपके सामने जो है प्रेजेंटेशन हो जाता है। इस टाइप से ये वाला जो बैरियर पूर्ण होता है। फिर आपको लास्ट में किस बटन पर क्लिक करना होगा, तो एक ओके बटन आएगा उसको भी जैसे क्लिक करते हैं आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, सुना कर आपको। इसी के साथ आज तक ये क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट वाले टॉपिक को लेकर आएंगे अपन, उस टॉपिक के अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन विचार विमर्श करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।